नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सरयू जयंती आज सवा कुंटल दूध से अभिषेक किया, आधा दर्जन स्थानों पर होगी महाआरती, सजेगी फूलों की झांकियां। अयोध्या की पहचान सरयू नदी की आज जयंती है। आज नदी के तट पर आधा दर्जन स्थानों पर महाआरती और फूलों की झांकी का आयोजन किया गया है। अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अयोध्या के सैकड़ों प्रमुख धर्माचार्यों के सहित करीब 2,00,000 भक्त शामिल होंगे। सरयू तट पूरी रात जगमग रहेगा। वेद मंत्रों के बीच महंतों ने किया सरयू का अभिषेक। आंजनेय सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 12वें श्री अवध सरयू महोत्सव में बह रही है। कार्यक्रम के आयोजक महंत शशिकांत दास ने बताया कि रात्रि 8 बजे से सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होगा। इससे पहले 6 बजे सरयू महाआरती और फूलों की झांकी का आयोजन किया गया है। आज सुबह 1.25 क्विंटल फूलों से मां सरयू का अभिषेक मंगल भवन के महंत रामभूषण दास कृपालु, जगत गुरु स्वामी राम दिनेश आचार्य, महंत रामजी शरण, महंत जनार्दन दास, महंत जय राम दास, महंत गिरीश दास आदि ने वेद मंत्रों के बीच किया। महंत शशिकांत दास ने बताया कि मां सरयू का जन्मोत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। आरती घाट को विविध प्रकार के फूलों से सजाया जा रहा है और श्री राम कथा संपन्न होने के तुरंत बाद मां सरयू की आरती प्रारंभ होगी। प्रसाद वितरण किया जाएगा और उसके बाद सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ होगा। महोत्सव के द्वितीय दिवस का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के प्रतिनिधि आलोक सिंह ने किया। व्यासपीठ से आचार्य मनोज अवस्थी ने शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। प्रसंग सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उन्होंने बताया कि पर्वत राज हिमालय की घोर तपस्या के बाद माता जगदम्बा प्रकट हुई और उन्हें बेटी के रूप में उनके घर में अवतरित होने का वरदान दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।